फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेवी हेयर्स यानी कर्ली हेयर्स के बारे में, जो कि मैंने इस समय अपने बालों में करा हुआ है। और जिससे अभी तो चल रहा है शादियों का टाइम, आपको भी फंक्शन पार्टी और शादी मैरिज पार्टी में जाना ही होगा। तो अगर आप भी अपने बालों से परेशान हैं, स्ट्रेट हेयर से परेशान हैं, क्योंकि मेरे बाल भी एकदम स्ट्रेट हैं और आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में तो देखा ही होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने बालों को ये देखिए मैंने कर्ली करके रखा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम नेचुरल सा कर्ल लगता है। ऐसा नहीं लगता कि आपने रोलर्स लगाया है या कुछ भी। तो अगर आप शादी पार्टी में स्ट्रेट हेयर से जाने से कतरा रहे हैं, बचना चाहते हैं, ऐसे हेयर्स करके जाना चाहते हैं और जिससे कि लोग सिर्फ आपके बालों को ही देखें और आपको मुड़ मुड़ के देखते ही रहें, आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये बाल कैसे किए हैं, तो चलिए फिर वीडियो में मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें अपने वॉश किए हुए बालों को बीच से मांग निकाल लेना है। ध्यान रहे बाल पूरे गीले ही होने चाहिए और अच्छे से बालों को सुलझा लें। बाल सुलझाने के बाद हमें कोकोनट ऑयल लेना है और ध्यान रहे ज़्यादा तेल नहीं लेना है, 4 से 5 ही ड्रॉप लेना है और उसे अपने बालों में, पूरे गीले बालों में अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो कर्ल होने के बाद उलझे नहीं। अब हमें एक पेंसिल लेना है और पेंसिल की हेल्प से बालों का एक सेक्शन निकाल लेना है और इसमें एक सिंपल सी चोटी बना लेनी है, जो कि हम पहले बचपन में अपनी बालों में चोटी बनाते थे, 3 सेक्शन में बालों को डिवाइड करके और एक चोटी बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बालों को गीला करते हुए हमें अपने बालों में बहुत ही टाइट चोटी बांधनी है, लूज नहीं करना है, और नीचे से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए रबर बैंड लगा लेनी है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरा सेक्शन बाल लेना है और इसे भी हमें चोटी में गूंथ लेना है। अगर आपके ये बाल जो हैं वो सूख गए हैं तो आप इसे अच्छे से एक बार और गीला कर लीजिए, वरना फिर आपका जो कर्ल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड पे ये 4 चोटियाँ जो है वो बना ली हैं। अब मैं ये दूसरे साइड में भी ऐसी ही चोटियाँ बना के आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पे ये 4 चोटियाँ बना ली हैं कुछ इस तरह से। आपको भी ऐसे ही अपने बालों में चोटियाँ बना लेनी हैं और फिर इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। तो ये आपके ब्यूटीफुल कर्ल्स जो हैं वो रात भर में बन जाएंगे और जब आप सुबह अपने बालों को खोलेंगी तो वो बहुत ही सुंदर बाल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी जो है ये रात में ही कर्ल्स बनाएं, मतलब अपने बालों को रात में ही गूँएं, चोटी बना करके सो जाएं, जिससे कि आप जब रात में सो जाएंगे तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा कि अरे मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आपको ये ऑकवर्ड सा लगेगा, ये क्या बना के आपने अपने बालों में रखा हुआ है, और कोई परेशानी भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप बांध के सो जाएंगे और जब सुबह उठेंगे तो आपको सुंदर सुंदर से कर्ल्स आपके मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सुबह मिलती हूँ मॉर्निंग में, जब मैं अपने चोटियों को खोलूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कर्ल्स कितने अच्छे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सुबह मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो चुकी है, मैंने शावर ले लिया है और अभी मैंने अपने पूरे बालों को रात भर ऐसे ही रखा था। तो अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ 1 by 1। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हमेशा हमको अपने बालों को नीचे की तरफ से खोलना है, ऊपर वाले चोटी से नहीं खोलना है, नीचे वाली चोटी से खोलना है। तो ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके रबर बैंड निकाल रही हूँ और बहुत ही धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे करके दबा दबा के खोलेंगे हम। ये देखिए, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही खोलना है और आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सा प्यारा सा वेवी सा कर्ल बन रहा है इसमें। ये देखिए, धीरे धीरे इसको हमें अपने बालों को खोल देना है। इसी तरह ये वाली चोटी भी हमें अब खोलनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड के अपने बालों को खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो एकदम स्ट्रेट हेयर्स थे वो कितने अच्छे कर्ल्स दिख रहे हैं। मैं अपने दूसरे तरफ के बाल को भी इसी तरह से धीरे धीरे खोलना है,
रबर बैंड को निकाल के धीरे धीरे दबा दबा के खोलेंगे अपनी चोटी को, जिससे कि वो एक भी कर्ल्स ख़राब नहीं हो। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि इसको बनाने के बाद, चोटी खोलने के बाद, हमें अपने बालों में कोम थोड़ी देर नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको ऐसे करके खोल दिया। मैं पूरे बाल खोल करके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों को खोल दिया है। सारी चोटियाँ जो बनाई थी मैंने वो खोल दी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर कर्ल लग रहा है। अब आप चाहे इसे साइड पार्टिंग में करें या फिर आप इसे बीच की पार्टिंग में, जैसे भी आप पार्ट अपना बाल का कोम करते हैं, साइड पार्टिंग या फिर बीच की पार्टिंग, वैसे आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा, एकदम ऐसा नहीं है कि आपने अलग से कुछ वो लगाया है, कर्लर रोलर कुछ लगाया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये कर्ल्स जो बिना किसी हीट, बिना किसी केमिकल के किया है, तो ये बिल्कुल केमिकल फ्री और हीट फ्री कर्ल्स है। आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, बाल एकदम सेफ फ्री रहे। आप आराम से ऐसे कर लिए अपने बालों को कर सकते हैं। इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके बाल डैमेज होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटू सा बेल बटन आएगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपसे कि आप अपडेट हो सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।